सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एंड आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल इंडिया में आने वाले 5 नए अपडेट्स के बारे में। और आज हम ये भी बात करेंगे कि पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन और पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में क्या डिफरेंस रहेगा। और उसके साथ साथ जिन लोगों को लगता है कि पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में यूसी के पैसे थोड़े कम होंगे, तो उसका भी हम आज यहीं पर बात करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखते रहिए। सो सबसे पहली चीज़ जो पबजी मोबाइल इंडिया में नहीं आने वाली है वो है BSC क्लोदिंग। अब से क्या होगा, हमारे कैरेक्टर जो है वो कपड़े पहन के आएंगे। वैसे क्या होता था ना, जब भी हम लोग मैच में जाते थे और नंगे नंगे बहुत आते थे, तो अभी क्या होगा, अभी कपड़े पहन के आएंगे प्लेयर्स। अभी लॉबी में अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम कपड़े पहने हुए हो। एम कलर चेंज। अभी इंडिया में ये पबजी खेलने की वजह से बहुत वायलेंस को प्रमोशन मिल रहा था, ऐसे लोग कहते हैं। मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। एंड जब तक गेम है तब तक इतना वायलेंस की कोई चांसेस है भी नहीं। बट फिर भी इसको अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने एम कलर चेंज वाला नया ऑप्शन लगाया है, जिसमें आपके जो किल इफेक्ट्स है, जो आप जब बंदे को मारोगे तब आपके जो खून का कलर है वो लाल नहीं रहेगा, वो ग्रीन रहेगा, डार्क ग्रीन रहेगा। तो वो आप चेंज कर सकते हैं, बट वो लाल नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ वायलेंस इशू। तो अब हम बात करने वाले हैं लो पिंग के बारे में। अभी देखो पिंग क्या होता है, जब आप किसी को गोली मार रहे हो एंड वो चीज़ रजिस्टर होके सीधा ऑफिस पे जाता है एंड वो ऑफिस से वापस आता है, तो वो MS का थोड़ा सा टाइम रहता है। अभी नॉर्मली न्यूयॉर्क का पिंग इतना ज़्यादा इसीलिए आता है बिकॉज न्यूयॉर्क बहुत दूर है, एंड मिडिल ईस्ट का इतना अच्छा इसलिए आता है बिकॉज मिडिल ईस्ट क्लोज है हम लोग से। तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ऑफिस इंडिया में ही रख दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी डिस्टेंस ज़्यादा होगा नहीं तो पिंग भी कम आएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जियो के नेट में, जियो के 1.5 GB पर डे पे भी आपका पिंग 20, 30, 40 के अंदर ही रहे। गेम प्ले रेस्ट्रिक्शंस। अभी देखो, अभी ये चीज़ तो बचपन से था, ये चीज़ पबजी जब से आया तब से था, लेकिन अभी इस चीज़ में नई एक चीज़ ऐड हुई है जो अभी हमें तेरे को बताएगा, तुम लोगों को बताएगा। अभी देखो, नॉर्मली जब अगर आपके 18 साल से नीचे होते थे ग्लोबल वर्जन में और आप गेम खेलते थे और आपका 4 घंटा हो जाता था, तो फिर आप दिन में गेम नहीं खेल पाते थे। ये था 4-6 घंटा खेलने के बाद आप दिन में गेम ही नहीं खेल पाते थे, आपको 2 घंटे का टाइमर लग जाता था। बट अब क्या है, आप दिन में सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए गेम खेल पाओगे, उससे ज़्यादा आपका गेम नहीं चालू होगा। स्पेशल इवेंट। अभी तुम में से जो जो क्रॉन्टेन को पहचानते हैं उन लोगों को पता होगा कि क्रॉन्टेन ने एक पबजी के साथ सरप्राइज की भी बात की थी जो आने वाला है। अभी देखो ये बात बहुत कम लोगों को पता है, बट पबजी जब आएगा, पबजी जहाँ तक मेरे को लगता है वो 28 तक आ रहा है, बट जब भी पबजी आएगा उसके जस्ट 1-2 हफ्ते बाद ही एक टूर्नामेंट लॉन्च होगा, जो नेशनल लेवल टूर्नामेंट होंगे। एंड इवेंचुअली माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे कॉरपोरेशन को $100 मिलियन दिया, लाइक $100 मिलियन इज लाइक 764 करोड़ रुपीज, विच इज लाइक अ ह्यूज अमाउंट, एंड वो दिए हैं सिर्फ इंडिया में ई-स्पोर्ट्स लेवल को बढ़ाने के लिए। तो मतलब इंडिया में पहले जितने टूर्नामेंट्स होते थे नेशनल लेवल, उससे अभी x10 से भी ज़्यादा होंगे। तो अभी उसके जस्ट बाद एक ई-स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, बट आई डोंट थिंक कि वो सरप्राइज का बात कर रहे हैं, कंटेंट बात कर रहे होंगे स्पेशल इवेंट का। अभी ये स्पेशल इवेंट क्या है, हो सकता है आप जब गेम लॉग इन करोगे तब आपको कोई स्किन मिले या कपड़े मिले या कुछ BPUC ऐसा कुछ मिले या कुछ डिस्काउंट कूपन्स मिले, तब ऐसा कुछ हो सकता है। बट जहाँ तक मेरे से तुम पूछोगे, ज़्यादातर चांसेस है कि तुमको स्किन्स गन की मिले या कपड़ों के स्किन्स मिले, ऐसा कुछ। लेकिन उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक वैसा कुछ होने वाला है। हिंदी इंस्ट्रक्शन। अभी देखो, जिन लोगों को ये नहीं पता क्या है, तुम जिंदगी में कुछ करते हो कि ऐसे ही बैठे रहते हो। हिंदी इंस्ट्रक्शन इज लाइक, अगर देखो कोरियन वर्जन अगर तुमने खेला है, तो कोरियन वर्जन में तुम कोरिया में बात कर सकते हो गेम में, लाइक गेम में जो होता है ये तुम कोरियन में कर सकते। अभी नॉर्मली क्या हुआ है, कोरियन वर्जन का कोरियन में था, VLT वर्जन वियतनाम वर्जन में है, तो ऐसे इंडियन वर्जन में हिंदी वर्जन कर दिया गया, बिकॉज हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। लेकिन अभी ये हिंदी इंस्ट्रक्शन थोड़े ज्यादा गलत जा रहे हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो चले, मैं पीछे से संभालती। हमला, संभल जाओ, मदद करो, फैल जाओ, कमरे में जाओ, हमला, मुझे कवर करो, मुझे बंदूक चाहिए, दुश्मन गोली मत चलाना, नीचे हो जाओ, जल्दी ना करो, नीचे रहो, लेट जाओ, आगे दुश्मन है, मुझे बंदूक मिल गई, ठहरो, बाएं तरफ, दाएं तरफ, वो आ रहे हैं, पहले करीब वालों को। तो ये कुछ अपडेट्स है जो आई हैं। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था कि भाई उनका जो गेम है, उनका जो ग्लोबल वर्जन में जो ID है उसका क्या होगा, तो उसके सारे डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुके हैं। पबजी ने ये सबको बता दिया है कि उसके डाटा के सारे ट्रांसफर हो चुके हैं, अभी गेम कल तक आ जाना चाहिए, कल रात 12 बजे तक, जहाँ तक मेरे को लगता है ये
फाइनल टाइम होगा, अगर इस तक नहीं आए देन बंदे बहुत भटक जाएंगे, तो यही आना चाहिए, यही लास्ट डे होना चाहिए। एंड इसके बाद आपका जो अकाउंट का लेवल सब सेट रहेगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कंसोल सेंसी ये सब सेम रहेंगे, बट सबसे ज़्यादा जो चेंज होगा वो होगा गेम का थोड़ा सा एक्सेंट। गेम देखो, पहले कोरियन वर्जन में हम लोग देखे हैं, कोरियन वर्जन थोड़ा सा अलग है ग्लोबल वर्जन से, चाइनीज वर्जन थोड़ा सा ग्लोबल एंड कोरियन से अलग है, तो वैसे ही मेरे को भी लगता है इंडियन वर्जन में भी थोड़े से एक्सेंट अलग होंगे, थोड़ा सा मैप्स का ग्राफिक्स में कुछ बदलाव रहेगा, थोड़ा सा कुछ तो बदलाव रहेगा, और वो बदलाव हम लोगों को गेम आने के बाद ही पता चलेगा। और रही बात यूसी की, तो जहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि यूसी के दाम कम होंगे, बिकॉज वो तो गेम ही बनाते हैं और यूसी के जो प्राइस होते हैं वो गेम ही रखते हैं। हो सकता है कि हमें कुछ डिस्काउंट मिले, बिकॉज वी आर लिविंग इन द इंडिया में और इंडिया जुगाड़ से चलता है। तो अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई है तो नीचे के वीडियो को लाइक मार दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली बार अपनी अगली वीडियो के साथ। अनटिल देन, दिस इज द प्रताप एंड हैव फन एंड बाय बाय एवरीबॉडी।